हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम बनाने वाले ट्रेडिंग हॉल। अब जैसे कि यार आप सभी ने पिछले वाले माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज के पार्ट में देखा कि हमने एक्सपी फार्म बनाया था। अब उस वाले फार्म से यार हमको भर के हमें भर के एक्सपी मिल गया, क्योंकि यार हमने दो स्पोनर्स को एक में कनेक्ट कर दिया, मतलब स्पाइडर वाले को और जोम्बिस वाले को। तो भाई उससे ना हमको मतलब भर के ही एक्सपी मिल रही है। तो आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी, मतलब इससे पहले वाली, तो जरूर से जाके देखना। खैर, आज के इस वाले माइनक्राफ्ट सीरीज के पार्ट में हम बनाने वाले ट्रेडिंग हॉल। अब उस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए सबसे पहले तो यार हमने सारा सामान कलेक्ट कर लिया। अभी फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे हमने ये बुक सेल्फ अटैच करे हैं। अब इस बुक सेल्फ से मतलब कि ये जो हमारी एंचेंटमेंट टेबल है, इसकी थोड़ी पावर सी बढ़ गई है। और भाई साहब, अब इसके बाद जो हम ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं, इसके बाद तो हम अपने मतलब कि जो भी हमारे पास डायमंड सोल ये सब है, इनको मतलब अपनी मर्जी से एंचेंट कर पाएंगे। तो इसलिए यार हमने सोचा कि यार सबसे पहले अब ट्रेडिंग हॉल बनाना जाए। मतलब आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई ट्रेडिंग हॉल बनाओ, ट्रेडिंग हॉल बनाओ। तो लो भाई, आ चुके हम ट्रेडिंग हॉल की वीडियो लेकर। अब यार मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मतलब कि अब तो यार हम अपने जो आर्मर वेस्ट उन सबको एंचेंट करने वाले हैं। तो आप मेरे को ना कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना कि मैं मतलब अपने हेलमेट जो वेस्ट पे मैं एंचेंटमेंट करने वाला हूँ इस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के बाद, उससे मैं कौन कौन सी एंचेंटमेंट लगाऊँ, कौन कौन सी एंचेंटमेंट मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो गाइज ये चीज मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। खैर, अभी फिलहाल की बात करें तो मैं और होमांस भाई बनाने वाले अभी ट्रेडिंग हॉल। तो सबसे पहले यार हमने मतलब जितना भी सामान है ये यहाँ पे मतलब कलेक्ट कर लिया पहले ही, ये देख सकते हो। और भाई पीछे के यार हमने मतलब ओकेसिया प्लैंक के लिए और ओक प्लैंक्स के लिए हमने पीछे वाले आधे से ज्यादा पेड़ उड़ा दिए। भाई देख सकते हो, मतलब ये पत्तियां हवा में उड़ती हुई कितनी ज्यादा अजीब सी लग रही है। अब हम ओकेसिया बायोम में तो ओकेसिया प्लैंक हमको आराम से मिल गया, और इधर से यार हमको ओक प्लैंक्स भी मिल गए, मतलब ओक प्लैंक्स के भी यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पेड़ काटे जिनकी मदद से यार हमको प्लैंक्स वगैरह और लॉग्स वगैरह मिल गए। एंड इसके बाद यार हमको मतलब कि फ्लेचिंग टेबल वगैरह बना के मतलब ऑल सेट है, बस अब हमें बनाना स्टार्ट करना है। तो भाई जल्दी से चलते हैं यार अपने ट्रेडिंग हॉल को बनाने की तरफ, और देखते हैं भाई हमारा जो ट्रेडिंग हॉल है वो कितना बड़ा और दिखने में कैसा होने वाला है। खैर, अभी फिलहाल की बात करें तो जो हम अपना मतलब कि स्टेशन बनाने वाले हैं पूरे कैसल को लेके, उसका काम अभी जारी है, मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जब ये मतलब हम पूरा इसको फाइनल टच देंगे तो इसकी वीडियो तभी आएगी, और भाई देख के तो आप सब हिलने वाले हो। खैर, अभी यार मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा ये, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब आपका जो सस्पेंस है वो बिल्कुल भी मतलब हल्का सा भी खराब हो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। खैर, अभी फिलहाल बात करें तो चलते यार अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने की तरफ। तो मैं होमान से बात कर लेता हूं। सो गाइस, सबसे पहले यार हम अपने ट्रेडिंग हॉल की बनाने की शुरुआत कर दिया। अब इससे पहले सबसे पहले हम इस मतलब इसका हम बेस बनाएंगे, हम इसका डिजाइन बनाएंगे कि मतलब हम ये जो ट्रेडिंग हॉल है कितना बड़ा बनाने वाले हैं। अब यहां पे शायद होमान ने ओक लॉग लगाए हैं, तुमने ओक लॉग लगाए हैं ना? कुछ भी लगा, तोड़ देंगे इनको वैसे भी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। सो गाइज, यहाँ पे यार हमने अपने ट्रेडिंग हॉल का मतलब कि बेस बना लिया है। जो हमारा ट्रेडिंग हॉल होने वाला है ना, वो कुछ इतना बड़ा होने वाला है। और अभी फिलहाल की बात करें तो हमने ये सोचा है कि जो अपने ट्रेडिंग हॉल है उसका गेट हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब जहाँ पे हमने अपनी चेस्ट रखी है। खैर, अभी हम यार अपने ट्रेडिंग हॉल का बाकी का काम स्टार्ट करते हैं फटाक से। सो गाइज, यहाँ पे यार हमने अपना जो डोर है ना वो यहीं पे बनाने वाले हैं। मतलब अभी हमने सोचा था कि चेस्ट के पास बनाएंगे, लेकिन यार अभी हमने मतलब इसको बीच में बनाने वाले हैं, बिल्कुल सेंटर में। मतलब 20 ब्लॉक इधर है, 20 ब्लॉक से उधर है, और यहाँ पे जो है अपना गेट बनने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे यार अभी गेट का मतलब ये मैप बनाने के बाद मैंने दो चीज़ें कर दी है। यहाँ पे यार मैंने दोनों तरफ ये लाइन खींच दी है। अब ये लाइन मैंने मतलब क्यों खींची है वो तो यार आपको बाद में पता चल जाएगा, मतलब जब अपना ट्रेडिंग हॉल बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये जो लाइन है ये हमने क्यों खींची है। खैर, अब इसके बाद यार हम बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर आप देखते जाओगे ना तो आपको समझ आता जाएगा कि कौन सी चीज़ किस लिए की जा रही है, क्योंकि लास्ट तक अगर आप देख लेते हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब वीडियो को देखते रहो।
सो गाइस फाइनली यार 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद अपना जो ट्रेडिंग हॉल है वो बन के तैयार हो गया है। मतलब यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है मैं विलेजर्स को इसके अंदर डालने में, मतलब कि जो अपना ब्रीडिंग हॉल है ना वो तो कतई खाली हो गया है। खैर अब इसके बाद क्या है कि यार मैं आप सभी को अपना ट्रेडिंग हॉल दिखा देता हूँ जो कि यार बन के तैयार हो चुका है। तो क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? सो भाई 3, 2, 1। तो भाई ये यार अपना ट्रेडिंग हॉल। अब यार देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले यार बर्च के प्लैंक्स लगाए थे लेकिन उससे क्या है कि अच्छा लुक नहीं आ रहा था। फिर हमने स्टोन लगाया फिर उससे भी अच्छा लगा। तो फाइनली यार हमने ग्लास लगाया और ग्लास हमने इसके चारों तरफ लगा दिया। और अब सच बताओ ना तो हमारे पास 3 चेस्ट भर के ग्लास पड़ा था और अब सिर्फ आधा चेस्ट ग्लास पड़ा है। मतलब अब तो यार हमको ग्लास जाके लाना पड़ेगा सैंड वगैरह पिघला के। खैर वो सब तो यार हम कर ही लेंगे आने वाले एपिसोड्स में। खैर यार अभी की बात तो जल्दी से यार मैं आप सभी को अपना ट्रेडिंग हॉल दिखा देता हूं। और भाई विलेजर को डालने में जो हमारा मूड खराब हुआ है ना उसका क्या ही कहना। खैर गाइस अभी आप यहां पे देखो तो सबसे पहले यार इस साइड हमने सारे के सारे मतलब कि ये फार्मर्स को रखा है। अब फार्मर्स यार हमको मतलब ऐसे ट्रेडिंग दे रहे हैं और मतलब कि वीट वगैरह के बदले में आलू वगैरह के बदले में हमको मतलब कि एमरल्ड देंगे। एंड इसके बाद यार यहां पर हमने सारे फ्लेचर्स को रखा है। अब यहां पे मतलब यहां वाला विलेजर जो था शायद वो मर गया, उसकी माइन कार्ड तो है लेकिन वो नहीं है। खैर गाइस अब इसके बाद यार हम जैसे ही इधर आते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे वेपन स्मिथ जो कि यार हमको मतलब कि ये वेपन्स देंगे, आयरन सोर्ड, आयरन एक्स वगैरह, मतलब कुछ एंचेंटमेंट वाले भी देंगे, मतलब जैसे कि ये दे रहा है शार्पनर 2 एंड अनब्रेकिंग 2 वगैरह लगा के। खैर गाइस अब इसके बाद यार हम जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहां पर यार हमको मिलेंगे स्मोकर्स वाले, मतलब कि ये बूचर्स हैं। तो गाइस बूचर्स जो हैं ये हमको मतलब कि मीट वगैरह के बदले में रो बीफ और इन सब के बदले में मतलब हमको एमरल्ड देंगे, क्योंकि मेन काम तो सारा जो भी ट्रेडिंग का होता है वो मतलब कि एमरल्ड से ही होता है। तो इसलिए यार ये हम सभी को एमरल्ड देंगे। और भाई इस साइड जो हमने रखे हैं मतलब कि ये हैं टूल स्मिथ, ये हमको टूल्स देंगे, मतलब स्टोन एक्स, स्टोन पिकेक्स और मतलब ये सब स्टोन हो, स्टोन एक्स और कोई सोर्ड देगा, मतलब ऐसे चीज़ें ये सब देंगे। एंड इसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर हमने रखा है आर्मर को, मतलब ये हमें आर्मर देंगे जैसे कि आयरन बूट्स हो गए एंड आयरन पैंट हो गई, आयरन हेलमेट हो गया, मतलब कि सारी चीज़ें हमें हेलमेट मतलब आयरन वगैरह के देंगे। एंड इसके बाद भाई साहब अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई लाइब्रेरियन क्या है तो लाइब्रेरियंस को हमने रखा है ऊपर की साइड। सो गाइस अब इसके बाद यार मैं आ चुका हूं छत पे और भाई साहब यहां पर हमने यार सारे के सारे लाइब्रेरियंस को रखा है। अब यहां पर अगर मैं आपको दिखा देता हूं तो भाई साहब ये हमें दे रहा है फ्लेम, ये प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ये सिल्क टच, मतलब जो चीजें जो दे रहे थे अभी फिलहाल के लिए हमने उनके आगे बोर्ड लगा दिया क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अपने आर्मर ये सब इन सारी चीजों को एंचेंट करने वाले हैं। तो इस वाले पूरे फ्लोर में यार हमने सिर्फ लाइब्रेरियन ही लाइब्रेरियंस को रखा है। मतलब ये तो देखो बाहर निकल गया, शायद ये यहाँ से निकल गया। खैर गाइस अब इसके बाद भाई साहब देख सकते हो कितने सारे लाइब्रेरियन हैं और इनको अंदर करने में मतलब ये कभी कोई कोई तो बाहर निकल के भाग रहा था तो उनको हमें मारना भी पड़ा। एंड इसके बाद देख सकते हो भाई इनको हमने जॉब दिया है और भाई ऑलमोस्ट हमें 7 से 8 घंटे लग गए ये सब करने में। अब इसके बाद हमारा एक और प्लान था कि यार हम इनको सबसे पहले ज़ॉम्बी ब्लेजर बनाएंगे एंड देन इसके बाद पोशन वगैरह की मदद से इनकी जो ट्रेडिंग है वो सस्ती कर देंगे, लेकिन यार पोशन वगैरह बनाने के लिए हमको चाहिए ब्लेज पाउडर और ब्लेज पाउडर आता है ब्लेज रोड से और ब्लेज रोड आती है यार अपनी नेदर जाके। तो अभी तक हम नेदर नहीं गए हैं तो यार अपने जो मतलब आर्मर वगैरह है इनको एंचेंट करने के बाद हम सबसे पहले नेदर जाने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यार आपको ये वाला बिगेस्ट ट्रेडिंग होल एवर कैसा लगा गाइज। अब जल्दी से यार रात भी होने वाली है, मतलब अभी जाके मैं सो जाता हूँ वरना ज़ॉम्बी जो है वो मेरे को घर तक भी नहीं जाने देंगे। सो गाइज ये वाली वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ट्रेडिंग हॉल में हमें क्या क्या चीज़ें और अच्छी करनी चाहिए ये चीज़ भी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और भाई साहब ये ट्रेडिंग हॉल देख के तो मेरा दिल कभी गार्डन गार्डन हो गया, मतलब अब से पहले मैंने कभी भी इतना बड़ा ट्रेडिंग हॉल नहीं बनाया था। सो बस गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। सो यार मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे ये अपने हाथ हिला रहा है आप भी ऐसे यार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो एंड बेल आइकन को गाइज ऑल पे कर देना क्योंकि गाइज मैं इस तरह की अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सो गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी को फिर से एक और न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के पार्ट में। तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज, पीस।